Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the auditing important questions of module number 3 and 4, and this is the second video on the important questions. So let's start with the important questions on auditing. थ्री एंड फोर के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे कि मॉड्यूल नंबर थ्री एंड फोर जो ऑडिटिंग का मैंने फर्स्ट लेसन डाला था, फर्स्ट जो वीडियो है उसके उसमें हमने मॉड्यूल नंबर वन एंड टू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे. सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जस्ट चेक दैट. क्योंकि लिए उसमें मॉड्यूल नंबर एंड वन एंड टू के इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर्स में पढ़ने हैं. नाउ वी विल बी स्टडिंग द मॉड्यूल नंबर थ्री एंड फोर, विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मॉड्यूल नंबर थ्री एंड फोर. सो क्वेश्चन नंबर वन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज़ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सो वी हैव टू राइट द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर हियर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ सिस्टमैटिक सिलेक्शन मेथड इन ऑडिट सैम्पलिंग. सो वी हैव टू एक्सप्लेन ओवर हियर द सिलेक्शन मेथड इन द ऑडिट सैम्पलिंग. देन द थर्ड क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज रिगार्डिंग क्रेडिट सेल्स. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज रिगार्डिंग क्रेडिट सेल्स. यहाँ पे क्रेडिट सेल्स के जगह पे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ सकते हैं, बट बेसिकली फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल रिमेन सेम. द नेक्स्ट इज वाउचिंग और वेरिफिकेशन के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है. मैंने यहाँ पे लिखा है, हाउ वुड यू वाउच रेंट पेड, या रेंट पेड के जगह पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस आ सकते हैं. जैसे वाउचिंग का मतलब होता है कि हम एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में चेकिंग करें, इवेल्युएट करें, और वेरिफिकेशन का मतलब होता है हम हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ का एग्जिस्टेंस ढूंढे, और उसके बारे में अगर हम चेक कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन. हम वेरीफाई करते हैं असेट्स और लाइबिलिटीज़ को. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू वेरीफाई सिक्योर्ड लोन. तो सिक्योर्ड लोन एक लाइबिलिटी है, तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. द थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट इज एरर्स इन ऑडिट सैम्पलिंग. सो एरर्स आपको लिखने हैं कि ऑडिट सैम्पलिंग में कौन से टाइप्स के एरर्स हो सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड वाइल्ड फ्रेमिंग अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम को फ्रेम करते वक्त. हाउ वुड यू वेरीफाई प्लांट एंड मशीनरी. तो असेट्स के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, असेट्स का चेकिंग करना मतलब वो होता है वेरिफिकेशन. सो प्लांट एंड मशीनरी के जगह पे कोई डिफरेंट असेट्स भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको उस असेट्स के बारे में डिटेल लिखना है. नेक्स्ट इज हाउ वुड यू वाउच रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम. तो अगर आप चेक करो तो असेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस इनकम सारे के ऊपर मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. हाउ डू यू वाउच सेल ऑन कंसाइनमेंट. तो आप सेल ऑन कंसाइनमेंट को कैसे चेक करोगे. ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए वैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ सकते हैं. व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग स्टॉक वैल्यूएशन. ऑडिटर्स के क्या क्या ड्यूटीज है स्टॉक वैल्यूएशन में. द नेक्स्ट पॉइंट्स आर एक्सप्लेन द पॉइंट्स विच आर टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ वाउचिंग. तो वाउचिंग करते वक्त ऑडिटर को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. हाउ वुड यू वेरीफाई सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स इज एन असेट, तो दैट इज़ वाई वेरीफाई आया है. अगर ये एक्सपेंसेस या इनकम के बारे में होता तो वहाँ पे वेरीफाई के जगह पे वर्ड वाउच होता. देन द नेक्स्ट विच कैन बी आस्क एज अ शॉर्ट नोट इज ऑडिट एविडेंस. एंड नेक्स्ट इज ऑडिट सैम्पलिंग. और एक क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल नंबर वन से यहाँ डाला है, क्योंकि लिए वहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाला था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट. तो हियर आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल नंबर थ्री एंड फोर. मॉड्यूल नंबर वन टू मॉड्यूल नंबर थ्री फोर ये दोनों के मैंने दो वीडियो बना के डाले हैं, सो दैट आपको प्रॉपरली समझ में आए विच क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इतने सारे क्वेश्चंस आप पहले प्रिपेयर करो ताकि आपका हर मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी के भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं. बट दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम. सो बिकॉज ये सारी चीज़ें बेसिक्स है चैप्टर से रिलेटेड, जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको पेपर में, एंड दिस विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव्स इन द एग्जामिनेशन. द
दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करना अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए तो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो दैट उनको भी ये क्वेश्चन बैंक मिले और वो लोग अपनी प्रिपरेशंस कर सके। टिल देन बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्टर।